हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, इस बार लेक्चर में इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। ये इससे पहले हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, तो चार्ज के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी, और किसी मटेरियल को कैसे कौन कौन से मेथड से चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्कोप। चलो, अब ये इलेक्ट्रोस्कोप इसका यूज क्या होता है कि किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं ये पता करना, और दूसरा कि किसी बॉडी पे कौन सा चार्ज है ये भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज तो हमने कर लिया कि कैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं बॉडी को, तो ये कौन सा चार्ज है ये भी पता कर सकते हैं, किससे? इलेक्ट्रोस्कोप से। ठीक है, आइए पहले इसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है इसमें। तो एक आइसोलेटेड कंटेनर रहता है और इसमें एक कंडक्टिंग रॉड रहता है जिसके थ्रू एक डिस्क को हम लोग अटैच करके रखते हैं, और नीचे ये एल्युमिनियम का फॉइल कनेक्टेड रहता है दो। ठीक है, जब इनिशियली जब ये अनचार्ज्ड रहेगा, ये जो कंडक्टर रॉड है, डिस्क है या फॉइल है, तो ये फॉइल क्या रहेंगे? वर्टिकल पोजीशन में। कैसे रहेंगे? वर्टिकल पोजीशन में। अब आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें किस कोई बॉडी चार्ज है या नहीं, ये चार्ज्ड है या नहीं, ये कैसे पता करेंगे? फर्स्ट यूज क्या है? टू डिटरमिन दैट अ बॉडी इज चार्ज और नॉट, दैट अ बॉडी इज चार्ज और नॉट। एक जो बॉडी हमारे पास जो दिया हुआ रहेगा वो चार्ज है या नहीं, ये पता करना रहेगा। ठीक है, चलिए इसके लिए हम लोग देख लेते हैं क्या करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्कोप बना लेते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोस्कोप हो गया, जिसमें जो कंटेनर आइसोलेटेड कंटेनर हो गया। इस आइसोलेटेड कंटेनर में ये हमारा क्या होगा, ये कंडक्टिंग रॉड, और कंडक्टिंग रॉड के नीचे क्या है, दो ये फॉइल लग रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा, एक ये डिस्क हो गया। अब एक बात देखो, ठीक है, जो जिस रॉड के ऊपर हमें पता करना है कि वो रॉड चार्ज है या नहीं, तो उसको डिस्क के पास लाते हैं। अब डिस्क के पास लाने का, अब जैसे मान लो दो तरीका कर सकते हैं, दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो इसके पास ला करके रखा जाए, या फिर जिस जो भी बॉडी जिस पे चार्ज है या नहीं वो पता करना हो, या दूसरा इस इलेक्ट्रोस्कोप, ये जो डिस्क है इसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रखा जाए। दोनों में से कोई भी चीज़ें यूज को कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी फॉइल मैंने बनाया नहीं, अभी देखते हैं। एक और दूसरा, पहला अगर मान लेते हैं कि हम लोग इसके पास ला रहे हैं, मतलब एक तरीके से जैसे मान लो सपोज इस बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं ये पता करना है, तो हम क्या करते हैं, इसके पास लाते हैं। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोस्कोप कैसा है? अनचार्ज्ड है। कैसा है भाई? अनचार्ज्ड है, कोई चार्ज इस पर इनिशियली नहीं है। तो ये हमारा क्या रहेगा, ये जो फॉइल रहेंगे वो कैसे रहेंगे? वर्टिकल। फॉइल कैसे रहेंगे? वर्टिकल। अब एक बात देखो, जैसे ही मान लो कि इसके ऊपर अगर हम ये इस रॉड को पास में लाएंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि ये क्या हो, पॉजिटिवली चार्ज हो, या हो सकता है कि नेगेटिवली चार्ज हो। तो अब एक बात देखो, जैसे ही ये बॉडी ले आएंगे, अगर ये चार्ज्ड है तो इसके ऊपर क्या होगा, अपोजिट साइन का चार्ज इंड्यूस होगा। ऑब्वियसली यार, जैसे हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि जैसे ही इस रॉड को इसके पास लाएंगे इसमें इंडक्शन होगा, और इंडक्शन के कारण अपोजिट नेचर का चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा। अब ये क्या होगा, जैसे ही अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप होगा तो यहाँ पे सेम नेचर का चार्ज डेवलप होगा। मतलब अगर मान लेते हैं कि ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, कुछ इधर की तरफ। ठीक है, तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इनके बीच रिपल्सन होगा, रिपल्सन के कारण ये जो एल्युमिनियम फॉइल होगा कुछ इस तरीके से सेपरेटेड हो जाएगा। ठीक है भाई, ये एल्युमिनियम फॉइल क्या होगा, सेपरेटेड। ये चार्ज हम लोग इसके ऊपर बना लेते हैं। ठीक है, ये चार्ज इसके ऊपर बना लेते। अब एक बार देखो, तो ये यानी हम बोल सकते हैं कि जैसे ही अगर एक बॉडी लाते हैं, अगर वो चार्ज है तो ये एल्युमिनियम फॉइल क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। अगर इनके बीच का सेपरेशन इंक्रीज हुआ, मतलब ये बॉडी कैसी है, चार्ज्ड है। ठीक है, अगर मान लो अगर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज देख लेते हैं। अगर ये नेगेटिव होता है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज डेवलप होता है, पॉजिटिव, और यहाँ पे फिर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आता है ये फिर से क्या होता है, ये इनके बीच का सेपरेशन इंक्रीज हो जाता है। यानी हम बोल सकते हैं कि जैसे ही एक चार्ज्ड बॉडी को इलेक्ट्रोस्कोप के पास लाएंगे, तो अगर इलेक्ट्रोस्कोप के जो फॉइल्स हैं उनके बीच का सेपरेशन अगर बढ़ जा रहा है, ठीक है, तो सेपरेशन अगर बढ़ रहा है तो वो ये बॉडी कैसा है, चार्ज्ड। ठीक है ना, यानी लिख लेते हैं, अगर सेपरेशन अगर इंक्रीज हो रहा है, इफ सेपरेशन इंक्रीजेज किसके बीच का, बिटवीन फॉइल्स,
जो एल्युमिनियम फॉइल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर फॉइल्स के बीच का सेपरेशन इंक्रीज हो रहा है तो बॉडी कैसी होगी? चार्ज। बॉडी कैसी होगी? चार्ज। ठीक है भाई। दूसरा एक तरीका क्या है कि हम लोग बॉडी को, इस बॉडी को डायरेक्ट इसके कॉन्टैक्ट में ला करके रखें। ठीक है, तो उसमें कैसे होगा तो ये भी देख लेते हैं एक बार। ये हमारा क्या है, जो आइसोलेटेड कंडक्ट, सॉरी आइसोलेटेड कंटेनर, ये रहा, ये हमारा आइसोलेटेड कंटेनर रहा, ये कंडक्टिंग रॉड। ठीक है, ये इसके ऊपर हमने ये डिस्क ले लिया और यहाँ पे दो एल्युमिनियम फॉइल, ये ऐसे अनचार्ज है इनिशियली। अब हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसके कॉन्टैक्ट में लाते हैं, ये जो बॉडी जिसके ऊपर चार्ज डिसाइड करना है कि है या नहीं, तो वो इसको डायरेक्ट इसके कॉन्टैक्ट में लाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो कंडक्शन के थ्रू चेक, ये बॉडी भी, ये डिस्क भी क्या होगा, चार्ज होगा, और ये डिस्क चार्ज होगा तो ये क्या होगा, पूरे में ये चार्ज फॉइल पर भी आएगा। ठीक है, अगर इस पर चार्ज आ रहा है तो ये चार्ज किस पे आएगा, फॉइल के ऊपर भी आएगा। ठीक है, तो फॉइल के ऊपर भी आएगा तो क्या होगा, ये फिर से सेपरेशन इंक्रीज होगा। मतलब अगर मान लो सपोज ये अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो जैसे ही कॉन्टैक्ट में लाएंगे इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो फॉइल्स के ऊपर भी क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है भाई, मतलब फिर से अगर सेपरेशन इंक्रीज हुआ फॉइल्स के बीच का तो फिर से हम क्या बोल सकते हैं कि बॉडी चार्ज है। अगर अनचार्ज रहता तो इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं, वैसा ही रह जाता। ठीक है भाई, तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो पहला हमारा काम क्या है इलेक्ट्रोस्कोप का, कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं ये पता करना। ठीक है, आइए सेकेंड यूज देखते हैं हम लोग। सेकेंड यूज होता है टू डिटरमिन द नेचर ऑफ चार्ज। मतलब एक बॉडी के ऊपर चार्ज है ये तो पता कर लिया हमने, टू डिटरमिन द नेचर ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। अब हम लोग ये भी पता करेंगे कि किसी बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज है। जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, ये भी पता कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्कोप होना चाहिए वो पहले से चार्ज्ड होना चाहिए, और कौन सा चार्ज उस पर है वो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं एक बार कि मान लो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप, ये इलेक्ट्रोस्कोप हो गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्कोप, ये चार्ज्ड है। कैसा इलेक्ट्रोस्कोप है भाई, चार्ज्ड, मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज है ये हमें पता है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो अब एक बार देखो, मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है, कोई भी एक चार्ज मानना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज लेकर के चलते हैं। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। अब एक बार देखो कि ये अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो ये क्या होगा, थोड़ा सा ऐसे सेपरेशन रहेगा। ठीक है, ये ऐसा सेपरेशन है इनके बीच, ये भी इसके ऊपर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये इसके ऊपर जो है, ये रॉड है, रॉड के ऊपर हमने कोई कवर लगा रखा है, इसीलिए मैं इसके ऊपर चार्ज नहीं बना रहा हूँ, बाकी चार्ज जो रहेगा वो इसके ऊपर भी रहेगा। ठीक है, अब एक बात देखो, जो चार्ज्ड बॉडी हम लोग ले आते हैं, कोई भी जिसके ऊपर डिसाइड करना है कि कौन से नेचर का चार्ज है, तो वो बॉडी हम लोग ले आते हैं। फिर से यहाँ पे जैसे पास लाए थे वो पास भी ला सकते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। तो पहले क्या लेते हैं, पास में जब लाते हैं तो क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये बॉडी है, ये ऐसा हम लोग पास लें। अब एक बात देखो, जैसे इसके पास ले आएंगे हम लोग, ठीक है, जैसे इसके पास ले आएंगे, ये क्या होगा कि अगर ये जो भी चार्ज इसके ऊपर होगा उसका अपोजिट नेचर का चार्ज यहाँ पे आएगा। मतलब अगर मान लो कि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा, इंड्यूस करेगा। ये हमने देख रखा था कि अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस होगा यहाँ पे। तो अगर इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इस पर और बढ़ेगा। समझ रहे हैं, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इस पर और इंड्यूस होगा, जिस कारण से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज अगर इधर इंड्यूस हुआ तो पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा, मतलब और पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर और डेवलप होगा। तो ये क्या होगा, जैसे ही अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और ज़्यादा, तो ये क्या होगा, इनके बीच का सेपरेशन और इंक्रीज करेगा। मतलब एक बार देखो, पहले से कुछ चार्ज थे, ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही अगर ये बॉडी लाएंगे तो इसके ऊपर और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज लाने से क्या होगा, सेपरेशन इंक्रीज होगा। यानी क्या होगा फिर इसमें, कि ये पॉजिटिवली चार्ज अगर हुआ ये बॉडी, तो ये सेपरेशन इंक्रीज हुआ। अगर सेपरेशन इंक्रीज हुआ मतलब क्या बोल सकते हैं कि बॉडी पे वही चार्ज है जो कि चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप पे। आइए एक बार एक काम करते हैं, इसको नेगेटिव चार्ज लेके चल के देख लेते। अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता तो इसके ऊपर और क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज।
अगर पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर और आता है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज? नेगेटिव, मतलब इनके बीच का नेगेटिव चार्ज जैसे ही आता है तो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इस पर डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा तो इनका सेपरेशन भी क्या होगा? कम होगा। बात समझ आई? यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इफ़ सेपरेशन अगर इंक्रीज हो रहा है, इफ़ सेपरेशन बिटवीन फॉइल्स इंक्रीजेज, सेपरेशन बिटवीन फॉइल्स ऑफ चार्ज टेलीस्कोप, फॉइल्स ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप इंक्रीजेज, अगर इंक्रीज हो रहा है देन चार्ज ऑन बॉडी, जिस बॉडी पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा कि जो सेम नेचर का होगा जिससे कि इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज होगा, चार्ज ऑन बॉडी विल बी ऑफ सेम नेचर एज दैट ऑफ चार्ज ऑन टेलीस्कोप, चार्ज ऑन इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर जो चार्ज होगा वही क्या होगा, वही बॉडी के ऊपर चार्ज होगा। और यहाँ पे क्या होगा, अगर डिक्रीज हुआ सेपरेशन क्या हुआ भाई, डिक्रीज हुआ सेपरेशन, अगर डिक्रीज हो गया तो अपोजिट नेचर का, जैसा हमने देखा था अपोजिट नेचर का होगा। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं कि अगर कॉन्टैक्ट में लाया जाए तब क्या होगा। ठीक है, कि अगर कॉन्टैक्ट में लाते हैं बॉडी को तब फिर क्या होगा। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट अगर देख लेते हैं, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रोस्कोप हम लोग बना लेते हैं पहले, ये रहा हमारा इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, ये कंडक्टिंग रॉड हो गया, फिर से ये मान लेते हैं क्या कि ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भाई, पॉजिटिव चार्ज है, फॉइल के बीच थोड़ा सा सेपरेशन रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज इस पे है। अब जो जिस बॉडी के ऊपर चार्ज हमें पता करना है उस बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसके कॉन्टैक्ट में लाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इसके कॉन्टैक्ट में लाते हैं। मान लेते हैं कि इस बॉडी के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, अगर पॉजिटिव हुआ तो जैसे ही इसके कॉन्टैक्ट में लाएंगे इस पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब इस पर और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसके ऊपर भी और पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि जो इसको ट्रांसफ़र होगा उसका कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज इसको भी मिलेगा, मतलब फिर से अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन फॉइल्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जैसे ही अगर इंक्रीज होगा मतलब फॉइल्स के बीच का सेपरेशन फिर से क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर मान लो फिर से क्या होगा कि ये ऐसा बढ़ा, ये फॉइल सब ऐसे हो जाएंगे, इसके ऊपर पहले जैसे मान लो इतने थे, अब इससे ज़्यादा चार्ज हो जाएंगे। पिछले वाले केस में भी देखा था हम लोगों ने उस मेथड में भी कि सेपरेशन इंक्रीज हो रहा था तो सेम नेचर का चार्ज, यानी चाहे आप कंडक्शन के थ्रू ये चेक करो या फिर इंडक्शन के थ्रू आप चेक करो, दोनों केस में अगर फॉइल्स के बीच का सेपरेशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो बॉडी पे वही चार्ज होगा जो कि इलेक्ट्रोस्कोप पे। अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता, ठीक है, तो अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता तो क्या होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज हो रहा था, वो नेगेटिव चार्ज इधर भी ट्रांसफ़र होता, और जब इधर भी ट्रांसफ़र होता तो ये नेगेटिव चार्ज इस पर कम होगा, तो फिर से फॉइल्स का सेपरेशन कम होता जाएगा। ठीक है, यानी हमने देख लिया कि अगर सेपरेशन इंक्रीज हो रहा है फॉइल के बीच का तो जो चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप पे होगा वही चार्ज बॉडी पे होगा, अगर सेपरेशन डिक्रीज हुआ तो फिर जो चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप पे होगा उसका अपोजिट नेचर का चार्ज बॉडी पे होगा। ठीक है, ये हो गया अपना। अब इसके बाद देखते हैं कि अगर मान लो इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर, जो चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर अगर हम लोग एक्सरे इंसिडेंट करें तो क्या होगा। ठीक है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो अगर एक्सरे इंसिडेंट करते हैं, ठीक है, इफ़ एक्सरे इज इंसिडेंट ऑन चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप, अगर एक्सरे इंसिडेंट करे तो क्या होगा। एक बात पता है हमें, एक्सरे क्या होता है, काफ़ी एनर्जेटिक होता है, जिसका एनर्जी उसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उस कारण से क्या होगा कि ये जैसे मान लो ये अगर इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर एक्सरे, ये हमारा इलेक्ट्रोस्कोप है,
ठीक है भाई, ये हमारा कैसा इलेक्ट्रोस्कोप है, चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप। मान लो अपने पास कोई भी चार्ज है इसके ऊपर, अब जब इलेक्ट्रोस्कोप ये चार्ज होगा तो ये फॉइल्स थोड़े से सेपरेटेड रहेंगे। अब जैसे ही इस पर एक्सरे इंसिडेंट करेंगे तो ये एक्सरे, हमें पता है कि इसकी एनर्जी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा। अगर काफ़ी ज़्यादा होगी तो एक केस हम लोग कंसिडर करते हैं जब ये इवैक्यूएटेड नहीं है, मतलब इलेक्ट्रोस्कोप जो रखा हुआ है वो इवैक्यूएटेड नहीं है, तो नॉट इवैक्यूएटेड, तब देखते हैं क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अगर इवैक्यूएटेड नहीं हुआ तो उस केस में क्या करेगा, एक्सरे की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, तो ये आसपास का जो एयर पार्ट की जो एयर पार्टिकल्स होंगे उसको ये आयोनाइज कर देगा। क्या कर देगा, एयर पार्टिकल्स को ये आयोनाइज कर देगा, एयर पार्टिकल्स को आयोनाइज कर देगा। तो जैसे ही आयोनाइज करेगा तो इसके कारण से क्या होगा कि इसके ऊपर जो भी चार्ज रहेगा वो रिमूव, ये क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। मतलब जो आयोनाइज हुआ तो ये क्या करते हैं, जैसे ही आयोनाइजेशन होता है एयर पार्टिकल्स का, तो वो क्या करते हैं, एक टेम्प्ररी पाथ जनरेट करते हैं। ये क्या करते हैं, टेम्प्ररी पाथ जनरेट कर देते हैं एक कंडक्टिंग, मतलब चार्ज के फ्लो के लिए। एयर वैसे होता क्या है, इंसुलेटर, लेकिन जैसे ही अगर ये आयोनाइज होगा तो एक टेम्प्ररी पाथ ये जनरेट करेंगे ये चार्ज के फ्लो के लिए। अब जैसे ही क्या होगा, चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, चार्ज का फ्लो होगा तो ये डिस्क क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये सारे ये डिस्क डिस्चार्ज होगा तो फॉइल के बीच का भी चार्ज क्या होगा, फॉइल के ऊपर का चार्ज भी कम होगा, तो इसके बीच का सेपरेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सेपरेशन बिटवीन फॉइल, सेपरेशन बिटवीन फॉइल्स डिक्रीजेज, ठीक है ना, फॉइल डिक्रीजेज। एक और चीज़ देख लो कि जो स्पार्क प्रोड्यूस होता होगा होता है कभी कभी, वो भी देखना किस तरह से, कि जैसे मान लो यही कॉन्सेप्ट होता है कि कोई बॉडी के ऊपर हमने क्या किया, बहुत ज़्यादा चार्ज दे दिया, बहुत ही ज़्यादा चार्ज अगर दे दिए तो क्या होगा, ये इसके आसपास के एटम्स को आयोनाइज कर देते हैं। आयोनाइज करते हैं तो ये एयर पार्टिकल्स क्या करते हैं कि एक टेम्प्ररी पाथ जनरेट कर देते हैं, और टेम्प्ररी पाथ जनरेट करने के कारण ये चार्ज पार्टिकल मूव करने लगते हैं। अब ये जैसे ही क्या होता है, चार्ज पार्टिकल जब मूव करेंगे तो एयर पार्टिकल के एटम्स के साथ कोलाइड होते हैं, और कोलाइड होने के बाद वो क्या करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो लाइट के फॉर्म में एमिट होती है, और तभी जा करके क्या होता है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, क्या प्रोड्यूस होता है, स्पार्क। अब एक बार देखते हैं कि अगर इवैक्यूएटेड हो, इफ इलेक्ट्रोस्कोप जो रहे, इलेक्ट्रोस्कोप इवैक्यूएटेड रहे तब क्या होगा, इलेक्ट्रोस्कोप कैसा रहे हमें, इवैक्यूएटेड। ठीक है, इवैक्यूएटेड मतलब क्या, ये वैक्यूम में रखो, तो ये लो अगर मान लो इवैक्यूएटेड जब रहेगा, देख ही लेते हैं, तो ये हमारा कंडक्ट, सॉरी ये हमारा हो गया क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्कोप हो गया, ये ऐसा यहाँ पे एक हमने डिस्क लगा दिया, सॉरी रॉड, रॉड से हमारा क्या कनेक्टेड है, फॉइल्स, और फॉइल से क्या है, ये डिस्क कनेक्टेड है। ठीक है, ये डिसकनेक्ट। अब ये क्या होगा, जैसे ही अगर मान लो इवैक्यूएटेड है, तो उस केस में अगर जैसे हम लोग एक्सरे इंसिडेंट करेंगे, तो एक्सरे इंसिडेंट करते हैं तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। क्या शो करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, एक तरीके से वही बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शो करता है किसके साथ, गोल्ड के साथ। अगर हमारा जो डिस्क है वो किस चीज़ का हो, गोल्ड का, तो इसमें से जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, निकलेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकलने लगे, तो अब एक केस मानते हैं कि जब अगर डिस्क जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो, डिस्क क्या हो, अगर पॉजिटिवली चार्ज हो, तो पॉजिटिवली चार्ज अगर होगा डिस्क, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऊपर बाहर निकले तो इसके ऊपर चार्ज बढ़ेगा, तो इसके ऊपर भी चार्ज बढ़ेगा, तो जो फॉइल्स होगा वो क्या होंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज। अगर वही डिस्क कैसा हो, नेगेटिवली चार्ज हो, नेगेटिवली चार्ज हो, तो इस पे क्या होगा कि जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो इसके ऊपर भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो पहले इस पे कौन सा चार्ज था भाई, नेगेटिव, अब इस पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आया तो ये क्या होंगे, कोलैप्स करेंगे, क्या करेंगे, फॉइल्स कोलैप्स कर जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर सेपरेशन डिक्रीज हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्कोप कैसा चार्ज है, एक्सरे ये गोल्ड, ये एक्सरे कैसा, ये सॉरी इलेक्ट्रोस्कोप कैसा चार्ज है। अगर फॉइल्स के बीच का सेपरेशन डिक्रीज हुआ तो वो नेगेटिवली, अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, चलो ये हमारा था इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। ठीक है, थैंक यू।